हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का ईश्वरन द स्टोरी टेलर। महेंद्र से ये कहानी शुरू होती है। महेंद्र एक जूनियर सुपरवाइज़र होते हैं। जिस कंपनी के लिए वो काम करा करते थे, वो कंपनी बहुत सारे सुपरवाइज़र्स को नौकरी देती थी और उनसे अलग अलग तरीके का काम कराती थी एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स। अब महेंद्र को भी अलग अलग तरीके की जॉब करनी पड़ती थी। कभी उन्हें कोल माइनिंग में जाना पड़ता था, कभी उन्हें रेलवे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कराना पड़ता था, तो कभी केमिकल प्लांट का भी कंस्ट्रक्शन कराना पड़ता था। अब जो उनकी जॉब थी उसकी वजह से उन्हें अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता था। कभी कभी कहीं पर 2 महीने का काम होता था, कभी कभी 3 महीने का, और कभी कभी उससे ज़्यादा भी समय लग जाता था। महेंद्र एक बैचलर थे, अभी इनकी शादी नहीं हुई थी। महेंद्र के साथ उनका कुक रहा करता था और इस कुक का नाम था ईश्वरन। यह आता है हमारे स्टोरी का सेकेंड इम्पॉर्टेंट करेक्टर। ईश्वरन हर जगह महेंद्र के साथ जाता था, चाहे वो कहीं पर भी जाएं। इसी वजह से जो महेंद्र थे वो ईश्वरन को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। दोनों में काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट था। जो ईश्वरन था वो महेंद्र के लिए खाना ही नहीं बनाया करता था, बल्कि उनके क्लोथ्स भी वॉश करता था और स्टोरीज भी सुनाया करता था उन्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में। तो महेंद्र हमेशा खुश रहते थे, बोलते थे ईश्वरन खाना भी दे रहा है, सफाई भी कर रहा है, कपड़े भी धो रहा है और मुझे कहानियाँ भी सुना रहा है। वाह वाह, ऐसा नौकर बहुत अच्छा है। तो ईश्वरन क्या करता था, ईश्वरन जब खाली होता था, जब महेंद्र अपने ऑफिस जाते थे, तो अपने लग्जरी टाइम पर पॉपुलर तमिल थ्रिलर्स पढ़ा करता था। इसके अंदर भूतिया कहानी होती थी, ये वो वाली कहानी थी। जब ये इन कहानियों को पढ़ता था तो कुछ कहानियाँ खुद से भी बनाया करता था, और जो खुद की बनाई हुई कहानियाँ होती थी वो किसको सुनाता था, महेंद्र को। ईश्वरन अपनी सारी बनाई हुई कहानियाँ महेंद्र को सुनाता था। महेंद्र को ये कहानियाँ सुनकर बहुत मज़ा आता था, क्योंकि महेंद्र को लगता था कि यार वाह क्या तरीका है ये कहानी सुनाने का, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, इनमिटेबली बहुत ही सुंदर तरीके से वो ये स्टोरी सुनाता था। वंस ही टोल्ड हिज मास्टर अ स्टोरी अबाउट हाउ ही कंट्रोल्ड अ वाइल्ड एलिफेंट दैट हैड गॉन बजर्क। अब यहाँ पर ईश्वरन महेंद्र को बताता है कि एक बार की बात है, एक हाथी पागल हो गया था। तो महेंद्र बाबू, महेंद्र सर, आपको बिलीव नहीं होगा कि मैंने क्या करा और वो हाथी मेरे कंट्रोल में आ गया। इन्होंने बताया ईश्वरन ने कि कैसे ये हाथी जो था ये पागल हो गया था, ये टिम्बर, मतलब जहाँ पर एक लकड़ी की वैरायटी होती है टिम्बर, उसको देख रहा था और वहाँ से टिम्बर लॉग्स को ले जा रहा था इधर उधर, और बहुत सारी टिम्बर लॉग्स को लेकर इधर उधर ज़ोर ज़ोर से ये भाग रहा था। बहुत सारी जो लकड़ियाँ थी वो इधर उधर गिर जाती हैं। बट वेन दे टर्नड वाइल्ड नॉट इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस माहौत कुड कंट्रोल दैम। अब ये जो हाथी था ये पागल हो चुका था, कोई भी माहत, मतलब कि जो हाथी को कंट्रोल करते हैं, वो कोई भी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। आसपास खूब तोड़फोड़ मचा रहा था, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो टिम्बर की पूरी वुड वगैरह थी इनको तोड़ रहा था। वन डे द एलिफेंट एंटर्ड द स्कूल। अचानक से एक दिन की बात होती है, ये एलिफेंट स्कूल में घुस जाता है। बच्चे मजे से ग्राउंड में खेल रहे थे, सोचो बच्चों का क्या होगा, एक हाथी जो पागल हो चुका है वो स्कूल के ग्राउंड में घुस गया। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल्स। अब स्कूल के ग्राउंड में घुसा कैसे, उसने दीवार को तोड़ दिया था जो ग्राउंड की थी। चिल्ड्रेन और जो टीचर्स थे वो सब डर जाते हैं, सब भागने लगते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर वो अपनी जान बचा सके, लेकिन ईश्वरन बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। वो तुरंत से भागता है हाथी की तरफ और उसके जो टस्कर्स होते हैं उनको एक केन से जो उसके हाथ में होती है उससे हिट करता है उसके थर्ड टो नेल को ऑन द क्विक। अब जो उसकी थर्ड टो नेल होती है, मतलब जो उसके पैर होते हैं उसमें से जो तीसरी टो नेल होती है, उस पर ज़ोर से ये मारता है, किसी ना किसी चीज़ को मारता है, जिसकी वजह से जो हाथी होता है वो कोलैप्स हो जाता है। कोलैप्स मतलब कि बेहोश हो जाता है, वहीं के वहीं पर गिर जाता है। तो ये महेंद्र ने एक नई बात बताई थी। अब ये सच है या झूठ है, अगर आपको सच लग रही है तो लिखना ट्रुथ, महेंद्र को उसने ट्रुथ बताया था ईश्वरन ने। अगर आपको झूठ लग रहा है तो बता दो कि ईश्वरन इज टेलिंग लाई, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखे। तो यहाँ पर ईश्वरन ने यह बताया था महेंद्र को कि इस हाथी के पास हो गया, पागल हाथी के पास, और उसके पैर पर ज़ोर से उसके थर्ड टोनेल पे हिट करा जिसकी वजह से वो हाथी बेहोश हो गया।
एक दिन की बात है, जब ऐसे ही बात चल रही थी महेंद्र और ईश्वरन के बीच में, तब बात होती है एंसेस्टर्स की आत्माओं के बारे में, घोस्ट के बारे में ये लोग बात करते हैं। ये बोलते हैं कि ईश्वरन बताता है महेंद्र को कि देखो महेंद्र, जिस जगह पर हम लोग रह रहे हैं यहाँ पर कब्रिस्तान था और यहाँ पर रात को भूत भी घूमते हैं। बींग अ ब्रेव मैन ही वॉज नॉट स्केयर्ड ऑफ देम। और ये भी बोलता है ईश्वरन कि मैं बहुत बहादुर इंसान हूँ, इसलिए मैं भूत भूत से नहीं डरता। क्या बताया ईश्वरन ने महेंद्र को कि जिस जगह पर ये लोग रह रहे हैं वहाँ पर कब्रिस्तान है और ये खुद ईश्वरन भूतों से नहीं डरता। महेंद्र मन ही मन डर चुके थे। वो मास्टर को ये बताता है कि एक बहुत ही खतरनाक औरत रहती है जिसकी आत्मा फुल मून नाइट पर घूमती है। इस औरत के हाथ में एक फीटस भी है। फीटस का मतलब होता है एक अनबॉर्न बेबी, ऐसा बेबी जो कि पैदा नहीं हुआ होता अच्छे से। उसके हाथ में वो बच्चा है और वो घूमती है इधर उधर। महेंद्र डर जाते हैं बहुत ज़ोर से। महेंद्र को जैसे ही इस औरत के बारे में पता चल जाता है वो डर जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि औरत खतरनाक है। ईश्वरन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई भूत भूत जैसी कोई चीज़ होती है। तो यहाँ पर जो महेंद्र होते हैं, महेंद्र ईश्वरन को बोलते हैं कि देखो भूत भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, मुझे डराने की कोशिश मत करो। तो यहाँ पर महेंद्र बहुत बुरी तरीके से डर चुके थे, तो वो बस अपने आप को, अपने दिमाग को शांत करने के लिए बोल रहे थे कि भूत भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती ईश्वरन को। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट। अब जो ईश्वरन था वो महेंद्र के रूम से निकलता है और चले जाता है। अब यहाँ पर जो महेंद्र थे वो भी अपने आराम से रूम में चले जाते हैं और मज़े से सोते हैं। लेकिन वो पूरी रात सो नहीं पाते। बार बार उस भूतिया औरत की स्टोरी उनके दिमाग में आती रहती है, भूत वाली औरत जिसके बारे में किसने बताया था उन्हें, ईश्वरन ने। वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप। एक दिन की बात है, एक रात की बात है कि महेंद्र अचानक से अपनी नींद से उठते हैं। उन्हें एक औरत के रोने की आवाज़ आ रही होती है खिड़की के पास से। जैसे ही ये बाहर देखते हैं, बाहर एक औरत वाकई में वाइट कलर की शीट के अंदर होती है और बाहर मूनलाइट होती है। बाहर के आसमान के अंदर काले काले बादल होते हैं, बहुत सारे ऐसे काले काले बादल होते हैं। महेंद्र श्योर नहीं था कि ये जो घोस्ट है ये वुमेन ही है वो। ही ब्रोक इन टू अ कोल्ड स्वेट। महेंद्र को बहुत ज़ोर से पसीना आने लगता है, अपने पिलो के पीछे गिर जाता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से हाँपने लगता है। पेंटिंग मतलब कि हाँपता है, घबरा जाता है। मॉर्निंग के अंदर जो ईश्वरन होता है वो महेंद्र को पूछता है कि अरे सर, क्या आपने भूत को देखा, उस भूतिया औरत को देखा जो उसके रोने की आवाज़ थी, साउंड ऑफ मॉर्निंग मतलब जो उसकी आवाज़ थी रोने की, वो तो मुझे आ रही थी आपके रूम से, मुझे रूम से आ रही थी। तो अब यहाँ पर जो महेंद्र था वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और बोलता है कि अब मैं इधर बिल्कुल भी नहीं रहने वाला, और अपना सामान वामान पैक करके वो इस घर को खाली करके शहर में वापस चले जाता है। यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आपने देखा कैसे महेंद्र जो थे उनको, जो उनका कुक था ईश्वरन, कहानियाँ सुनाता था और इतना ज़्यादा उन्हें डरा दिया कि अब वो भूत वगैरह को फील कर रहे थे। क्या वाकई में सच में ये भूतिया औरत बाहर खड़ी होगी महेंद्र के घर के? कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, मुझे भी पता चले कि आपको कितनी लगती है ये कहानी सच और कितनी झूठ। क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए कि वॉट वर्क डिड महेंद्र डू, महेंद्र क्या काम किया करते थे? कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन का बटन है उस पर क्लिक करके मेंबर ज़रूर बनना। मेंबर बनने से आपको क्या मिलेंगे? सैम्पल पेपर और नोट्स। सैम्पल पेपर जो हैं वो सिर्फ इसी चैप्टर के नहीं, और भी चैप्टर्स के मिलेंगे आपको। सैम्पल पेपर से क्या बेनिफिट होने वाला है? सैम्पल पेपर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? सैम्पल पेपर की हेल्प से आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन सैम्पल पेपर से आते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। टिल देन मनुष्य ज्ञान लेते रहो।